बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मारवीज़ किचन पर आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ ही जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है तवा स्टीम चिप्स हैं। 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है, बड़ी आसान सी रेसिपी है और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, फ्लेम हमारी ऑन है, तवा हमारा गर्म हो चुका है और 3 से 4 चम्मच जो है ऑयल डाल लिया मैंने तवे पर। और आलू जो है 1/2 kg है मेरे पास, इनको बारीक बारीक छोटे छोटे साइज़ में काटा है, क्योंकि इसको तवे पे बनाना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना, तो इसलिए बारीक से छोटे छोटे पीसेस जो है मैंने काट लिए हैं। तो इनको 2 से 4 मिनट के लिए जो है इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जी, टमाटर है एक बड़े साइज़ का, इसको बारीक बारीक काटा है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च है, इनको बारीक बारीक काट के ये इसमें ऐड करते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। बड़ी इजी रेसिपी है और बड़े मज़े की रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जी ढक्कन देके हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम दी है, ताकि हमारे टमाटर भी नरम हो जाएं और आलू भी जो हैं हमारे गलें। चलें जी, टमाटर जो हैं हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं, अब हम इनको थोड़ा मैश कर लेते हैं चम्मच की मदद से, ताकि बिल्कुल घुल जाएँ। ये चिप्स जो हैं हमारे, हम रोटी के साथ खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। और चिप्स थोड़े हमारे क्रंची क्रंची बनेंगे, ना के बहुत नरम बनेंगे। 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया है छोटा, क्योंकि 1/2 kg आलू हैं। 1 चम्मच छोटा जो है हमने रेड चिली पाउडर इसमें डाला है, बिल्कुल कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे। 1 से 2 मसालों के साथ एक अच्छी सी हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं। पाउडर मसाले जो है उनको भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर जी मेन चीज़ जो है, 4 से 5 चम्मच मैंने मायोनीज़ डाली है, मायोनीज़ डाली है ताकि हमारे चिप्स थोड़े जूसी हों ऊपर से, ये तो ये क्रंची क्रंची होंगे और इनका एक अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए मायोनीज़ की वजह से, और थोड़े जूसी जूसी भी हों, बिल्कुल खुश्क ना रहें। मायोनीज़ डालने के बाद 2 से 3 मिनट भून लेंगे, फिर इनको इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे और फिर थोड़ी 2 से 4 मिनट की स्टीम देंगे, ताकि मायोनीज़ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आलू जो मतलब हाफ कुक थे फुल कुक हो जाएं, बिल्कुल गल जाएं आलू हमारे। आलू हमारे जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ पर देखें कितना झटपट, कितना जल्दी जो है हमारा मसाला जो चिप्स का ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया, बिल्कुल पानी नहीं डाला। बस आपने जो है ढक्कन देना है और स्टीम से जो है वो आलू गल जाएंगे हमारे। चलें जी, अब हम फ्रेश फ्रेश जो धनिया है वो ऊपर डालते हैं। गर्मी का मौसम है, धनिया आजकल अच्छा नहीं मिल रहा, जैसे ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश होना चाहिए। चलें जी, धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट फिर से ढक्कन दे देते हैं। चलें जी, अब हमारी डिश जो है रेडी टू ईट हो चुकी है। माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे तवा स्टीम चिप्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है जी हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। चलें जी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनेगी आपसे। कमेंट्स में आके अपने बताना आपको कैसी लगी आपने बनाई। वीडियोस जो है हमारी उसको लाइक करते रहा करें, शेयर किया करें, कमेंट्स में आके अपनी राय ज़रूर दिया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मारवीज़ किचन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।